दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि UFI बॉक्स और UFI डोंगल में क्या डिफरेंस है और इंडियन वर्जन में और इंटरनेशनल वर्जन में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद जो UFI में सर्वर क्रेडिट है यानी रिमोट सर्विस, ठीक है, तो रिमोट सर्विस में जो इसका क्रेडिट है उसका क्या प्राइस है और इसके प्राइस में और मेडिकल सौमी टूल के प्राइस में, ठीक है, मेडिकल सौमी टूल का जो सर्वर क्रेडिट है उसके प्राइस में और UFI के सर्वर क्रेडिट में, इन दोनों में प्राइस में कितना डिफरेंस है, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप जो है जल्दबाजी में अगर आप क्रेडिट ले लेंगे और आपका काफी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि पहले बात को ध्यान से समझें और मैं जो कहता हूँ उस बात को आप समझें, ठीक है, उसके बाद आप फैसला करें कि आपको क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको बता दूं कि तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि UFI बॉक्स और UFI डोंगल में डिफरेंस ये है कि UFI डोंगल में आप एंड्रॉयड टूल यूज कर सकते हैं और रिमोट सर्विस को यूज कर सकते हैं। और UFI बॉक्स अगर आप लेते हैं तो UFI बॉक्स में आप जो है रिमोट सर्विस तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है आप EMMC रिपेयर कर सकते हैं, चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप कोई सैमसंग का मोबाइल अगर आप फ्लैशिंग करते समय आपका डेड हो जाता है, डाउनलोडिंग मोड पर नहीं आता है, तो उस मोबाइल को जो है आप उसका डेड बूट को रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो सैमसंग का रहे या किसी भी कंपनी का रहे, डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो UFI का जो बॉक्स है, ये मेन जो बॉक्स है तो इसी काम के लिए है, डेड बूट रिपेयर करने के लिए, EMMC प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो क्या हो रहा है कि अभी मतलब ISP पिन आउट करके जो UFI बॉक्स में आप जो है कुछ मॉडल को जो है आप ओप्पो रियलमी को आप अनलॉक करते हैं, ठीक है, ISP पिन आउट करके आप अनलॉक करते हैं मोबाइल को, ठीक है। लेकिन अभी जो इसमें रिमोट सर्विस ऐड किया गया UFI बॉक्स में, लेकिन रिमोट सर्विस ऐड किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसका जो जो क्रेडिट है ये बहुत ही महंगा है प्लान है। और कैसे महंगा है मैं आपको भी समझाता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि UFI बॉक्स में वन क्रेडिट का जो प्राइस है वो है ₹75, ठीक है, ₹75। तो ₹75 कॉस्ट पड़ेगा आपको वन क्रेडिट का। अगर एक मोबाइल को आप Xiaomi का मोबाइल को अगर आप UFI बॉक्स में फ्लैश करते हैं, ठीक है, तो आपका चार क्रेडिट कटेगा, यानी ₹300 आपका खर्च होगा, ठीक है, फ्लैशिंग करने में, और अनलॉकिंग करने में आपका 5 क्रेडिट 6 क्रेडिट आपका कट सकता है, ठीक है, यानी ₹300 से भी अधिक आपको जो है खर्च पड़ेगा एक मोबाइल को अनलॉक करने में, फ्लैशिंग करने में UFI बॉक्स में, ठीक है, या UFI बॉक्स में या UFI डोंगल में, दोनों में जो है आप जो है एंड्रॉइड टूल को यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो रिमोट सर्विस का जो ये प्राइस बता रहा हूं मैं आपको कि सर्वर क्रेडिट जो है आपका ₹75 का वन क्रेडिट का कॉस्ट है, और उसके बाद चार क्रेडिट का जो प्राइस हो गया ₹300 में आप मोबाइल को फ्लैशिंग कर सकते हैं। लेकिन उसी मोबाइल को अगर आप अनलॉक करना चाहे Xiaomi का, ठीक है, तो मेडिकल Xiaomi टूल में, तो वहां आपको जो है ₹100 में अनलॉक होता है। और ₹100 में अनलॉक कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल Xiaomi टूल में जो है उसका जो प्राइस है, ठीक है, तो वन क्रेडिट का प्राइस है उसका ₹25 और चार क्रेडिट का हो गया ₹100, ठीक है। तो चार क्रेडिट का ₹100 हो गया, और ₹100 में जो है आप चार क्रेडिट में जो है आप एक मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं मेडिकल में जो है, मेडिकल Xiaomi टूल में कोई भी MI मोबाइल को, ऑनलाइन वाले मोबाइल को आप जो चार क्रेडिट में अनलॉक कर सकते हैं, यानी आपका जो खर्च पड़ रहा है वो ₹100 पड़ रहा है, ठीक है। तो 100 क्रेडिट का प्लान होता है मेडिकल Xiaomi टूल में, और 100 क्रेडिट में आपको जो है ₹25 आपको देना पड़ता है, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के चार क्रेडिट का ₹100 पड़ा है खर्च। और वही मोबाइल को अगर आप जो है इसमें अगर आप अनलॉक करते हैं UFI में, तो आपको ₹300 खर्च पड़ता है, इतना ही डिफरेंस है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप मान के चलिए ओप्पो के मोबाइल को अगर आप अनलॉक करेंगे या फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है, इसमें आपका 15 से 20 क्रेडिट कटेगा, ठीक है। अब 15 क्रेडिट का लगभग आपका प्राइस हो गया UFI बॉक्स में लगभग ₹1125। आप अगर ₹1125 देकर के मोबाइल को फ्लैशिंग करेंगे ओप्पो का UFI बॉक्स में, तो आपको मेरे हिसाब से आपको नहीं पोसाएगा, ठीक है, बहुत ही महंगा प्लान है। तो आप जो है क्रेडिट ना लें मेरे हिसाब से, जब तक ये सस्ता ना हो, ठीक, जब तक इसमें कोई उपाय ना हो UFI बॉक्स के क्रेडिट में, तब तक आप जो है इस प्लान को यूज ना करें, ठीक है। आप कोई भी जो सर्वर क्रेडिट जो है UFI बॉक्स का ना लें मेरे हिसाब से। अगर फिर भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही महंगा है, क्योंकि आप ₹1125 देकर के एक मोबाइल को अनलॉक करेंगे या फ्लैशिंग करेंगे ओप्पो का, तो इससे अच्छा है कि आप मार्केट में अगर कहीं से भी करवा लें तो आपको जो है ₹400-500 में अनलॉक हो जाएगा ओप्पो का मोबाइल, ठीक है। Xiaomi का मोबाइल 100 से लेकर ₹50 में आपका अनलॉक हो जाता है। तो उस हिसाब से आप जो है आपको समझ में आ गया होगा कि कितना महंगा है ये प्लान, ठीक है। तो UFI बॉक्स का जो क्रेडिट है बहुत ही महंगा है, ₹1000, ₹1100, ₹1200 में आपका मोबाइल फ्लैशिंग होगा, अनलॉक होगा, ठीक है। उसी मोबाइल को मार्केट में आप ₹300-400 में कर सकते हैं।
अब मेरिकल शाओमी टूल से 100 रुपये में आप एक मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, और वही शाओमी मोबाइल को जो है आप UFI बॉक्स में 300 रुपये में अनलॉक कर सकते हैं या फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से UFI बॉक्स का जो क्रेडिट है ये बहुत ही महंगा है, तो जब तक सस्ता ना हो तब तक आप जो है इसको मेरे हिसाब से ना लें, ठीक है। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, आपको यही समझाना था। दूसरी बात मैं आपको एक ये बता दूं कि इंडियन वर्जन UFI बॉक्स का इंडियन वर्जन इंटरनेशनल वर्जन में क्या डिफरेंस है। इंटरनेशनल वर्जन में डिफरेंस ये है और इंडियन वर्जन में ये डिफरेंस है कि अगर आप मान के चलिए बाहर कंट्री में अगर नेपाल में आप बॉक्स यूज करना चाहते हैं तो आपको इंडियन इंटरनेशनल वर्जन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसका प्राइस जो है 21,000 के आसपास है, और मान के चलिए अगर आप इंडिया में यूज कर रहे हैं UFI बॉक्स तो उसके लिए आपको इंडियन वर्जन की जरूरत पड़ेगी, उसका प्राइस है लगभग 17,000 के आसपास, ठीक है। तो मान के चलिए 4,000 का डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही बॉक्स में जो है इंटरनेशनल वर्जन में या इंडियन वर्जन में जो है सेटअप एक ही चलेगा, काम एक ही करेगा, दोनों का काम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कंट्री का अंतर है, IP एड्रेस का अंतर है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या डिफरेंस है UFI बॉक्स के इंटरनेशनल वर्जन में इंडियन वर्जन में, और UFI डोंगल में क्या फर्क है, UFI बॉक्स में क्या फर्क है। UFI बॉक्स आपका EMMC रिपेयर करने के लिए है, डेडबोर्ड रिपेयर करने के लिए है, और UFI डोंगल आपका जो है रिमोट सर्विस यूज करने के लिए है, फ्लैशिंग करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए, ठीक है। UFI डोंगल में आप जो है ISP पिन आउट करके जम्पर मार के जो है मोबाइल को अनलॉक नहीं कर सकते, लेकिन UFI बॉक्स में आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आप खुद ही फैसला करें आपको ये सर्विस क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।